हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप मैथ में कमजोर हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमेशा मैं बेसिक चीज़ों से लेकर चलता हूँ। सबसे पहले किसी भी प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आपको हमारा एग्जाम्पल समझना होगा। हमारे एग्जाम्पल को समझिए, उसके बाद प्रश्नावली को स्टार्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न, भाग दो देखेंगे। प्रश्नावली 7.7.1 उदाहरण हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है। आप लोगों का जो जो सूत्र उपयोग में लाया जाएगा 7.1 में, सभी सूत्रों को हम रख दिए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। आपका ये अवकलन है, ये टोटल आपका अवकलन है और इस साइड का टोटल आपका समाकलन है। यानी कि समाकलन कैसे करेंगे, सबसे पहले यदि अवकलन आप लोग पढ़ लिए हैं तब तो समझ में आ जाएगा, यदि नहीं पढ़ पाए हैं तभी समझ में आएगा। चलिए उदाहरण हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए समाकलन आपका दिया हो साइन एक्स का, समाकलन दिया हो किसका, साइन एक्स, और प्लस आपका दिया हो किसका, कॉस एक्स का। यदि आपका समाकलन है साइन एक्स और कॉस एक्स का, तो इसको पहले, सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको हम लोग डी एक्स लगाएंगे। लास्ट में डी एक्स रहता है क्योंकि समाकलन में हर जगह देखिए यहाँ पर डी एक्स लगाया गया है, ये समाकलन को इंडिकेट कर रहा है, समाकलन और साथ में डी एक्स होना चाहिए उसका। यहाँ से हम लोग इसको समाकलन करेंगे तो हो जाएगा समाकलन, इसको एकाएक को एक एक साथ लीजिए, समाकलन आप एक बार लेंगे साइन एक्स को, इसके बाद लगा देंगे डी एक्स, प्लस एक बार समाकलन इसके साथ लीजिए समाकलन कॉस एक्स, और इसके साथ भी लगा देंगे क्या, डी एक्स, ठीक है। चलिए साइन एक्स का समाकलन देखिए, साइन एक्स का समाकलन आपका होता है माइनस कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स है तो इसका हो जाएगा समाकलन आपका माइनस कॉस एक्स, ठीक है। आप प्लस कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, देखिए समाकलन है कॉस एक्स का आपका साइन एक्स, तो यहां से हो जाएगा क्या, साइन एक्स। जब समाकलन सभी का हो जाएगा तो लास्ट में जोड़ दिया जाता है प्लस क्या, सी, कि आपका जो है कि समाकलन फाइनल हो गया। तो हम लोग ऐसे प्रोसेस चलेंगे। यहां पर देखिएगा, यदि e का पावर x हो, यदि आपका e का पावर x हो तो आपका समाकलन किया गया है e का पावर x बटा में, कह रहा है कि x का गुणांक चाहिए, x का क्या चाहिए, गुणांक। जैसे आपका प्रश्न हो e का पावर, जैसे मान लीजिए 5x हो, तो इसका समाकलन हम लोग करेंगे तो पहले तो e का पावर जितना आपका है उतना रहेगा, 5x हो गया बटा में कह रहा है x का गुणांक, तो यहाँ पर देखिए इसमें x का गुणांक एक छिपा हुआ था तो एक यहाँ पर रखेंगे, एक से डिवाइड करेंगे तो उतना ही हो जाएगा क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है जल्दी हर में। चलिए यहाँ पर गुणांक कितना है, 5, आपका हो गया 5, आप प्लस क्या लगा देंगे, सी, यानी ये हो गया आपका e का पावर 5x का समाकलन हो गया इतना। अब देखिए यदि आपका sec स्क्वायर एक्स हो तो sec स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं समाकलन के रूप में tan x, ठीक है। यदि 1x हो तो इसको लिख सकते हैं log x, जरा इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए और समझते हैं उदाहरण। यदि आपका हो समाकलन x का पावर 10 dx, कह रहा है कि आप समाकलन कीजिए x का पावर कितने का, 10 का, तो समाकलन का सूत्र होता है, देखिए यदि किसी का भी यदि घात हो तो उसका सूत्र होता है आपका x का पावर n प्लस 1, यानी कि जो घात है घात में एक जोड़ दिया जाएगा और जो आपका घात है बटा में क्या आ जाएगा, घात। चलिए हल कीजिए, x का पावर 10 है ना, पहले कह रहा है कि पहले x को लिखिए, घात में एक जोड़िए यानी कि 10, आप प्लस क्या कर देंगे, 1, आप बटा में घात आता है यानी कि घात आपका है 10 प्लस क्या, 1, यानी कि 10 धन 1, बराबर हल कर दीजिए इसको, x का घात हो जाएगा 10 और 1 11, बटा में 10 और 1 क्या, 11,
यानी कि आपका x का पावर यदि 10 हो तो इसका समाकलन यदि करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस क्या c, यानी कि x का पावर 11 बटा में 11 धन c, ये हो गया आपका क्या समाकलन। ठीक है, इतना 1 बाई एक्स हो, यदि 1 बाई एक्स हो तो 1 बाई एक्स का अवकलन आपका क्या होता है log x। ठीक है, तो ये अवकलन है, अवकलन आप लोग समझ लिए हैं, अवकलन का सूत्र रख दिए हैं, प्रश्नावली चलेगी तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इतना तो हो गया। चलिए अब हम वो देखते हैं प्रति अवकलज कैसे निकालते हैं। थोड़ा और इसका उदाहरण ले लीजिए, एक आठ और इस समाकलन, जैसे मान लीजिए इसका है 1 बाई क्या 2, जैसे मान लीजिए 1 बाई 2 हो गया, इसका समाकलन करना है तो पहले तो x रहेगा सिर्फ, देखिए x का पावर n हो तो उसमें घात, एक बस घात बढ़ जाता है बटा में घात हो जाता है, यानी कि यह हो जाएगा x हो गया घात में एक जुड़ जाएगा यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, अब बटा में जितना आपका घात है उतना घात आपका इतना है यानी कि 1 बटा में 2 प्लस 1, यहाँ से प्लस क्या हो जाएगा सी लिख दिया जाएगा, हल कर दीजिए 2 एकम 2 यानी कि हो जाएगा x का घात 2 एकम 2 यानी कि 1 धन 2 बटा में पूरे का बटा क्या 2 हुआ पूरे का बटा, फिर इसे इसमें गुणा कीजिए 1 धन 2 बटा में क्या 2। ठीक है, इतना आप प्लस क्या सी, आइए 2 और 1 3 यानी कि x का पावर 3 बाई क्या 2 बटा में, इसको कर दीजिए 3 बटा में क्या। ठीक है, ये भिन्न पलट जाएगी तो आपका हो जाइए, देखिए ऐसे पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा 2 का घात हो जाए 2 x का घात हो जाएगा 3 बाई 2 अब बाई क्या, ये आपका हो गया समाकलन x का पावर 1 बाई किसका 2 का प्लस c। सभी क्लियर हो जाएगा। चलिए यदि अब आगे बढ़ते हैं, यदि देखिए यहाँ पर यदि माइनस इंडिकेट कर दिया जाता है कितना हो, यदि माइनस इंडिकेट कर दिया जाता है तब देखिए कैसे होगा, ये आपका माइनस लगेगा इसके बाद इसमें प्लस 1 हो जाएगा, वही क्रिया है सिर्फ यहाँ पर माइनस लग गया है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपका हो जाएगा माइनस, माइनस है तो यहाँ पर माइनस इंडिकेट करने के, ये भी माइनस में है तो माइनस यहाँ पर लगा दिया गया, यही घात यहाँ पर भी आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर अब अंतर क्या हो जाएगा, इसका 2 में से 1 घट जाएगा, अब यह हो जाएगा 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, ये भी देखिए 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसका प्लस है इसका माइनस, तो घटेगा तो 1 बटा में क्या हुआ 2, यानी कि यहां से हो जाएगा प्लस क्या सी। अब ये भिन्न पलट जाएगी, फिर यहां से भी इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये भिन्न पलटेगा तो आपका हो जाएगा 2 एक्स का पावर 1 बाई 2 अब प्लस क्या सी। ठीक है, ये आपका घात में हो गया, यदि कितना हो घात हो एक्स का करणी में हो तो आप ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, इसको जरा समझ लीजिए, एक का एक है तो इसका कैसे हल होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी अंक दे दिया हो, ठीक है यदि आपका जैसे मान लीजिए कोई भी अंक दिया हो, जैसे आप ले लीजिए कितना हो 100 ले लीजिए, 100 का आपको समाकलन करना है, जैसे मान लीजिए आपका 2005 का समाकलन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, समाकलन 100 है ना, देखिएगा ध्यान में रखिएगा, समाकलन एक का किया गया है तो एक एक्स, यहाँ पर समझिएगा कि एक है, यहाँ पर एक एक्स हुआ है। ठीक है, यदि 2 का करेंगे तो 2x हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 5x हो जाएगा, 6 का करेंगे तो 6x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 100 का यदि करते हैं हम लोग अवकलन तो आपका हो जाएगा 100x, साथ में क्या जुड़ जाएगा सिर्फ x जुड़ जाएगा। चलिए यहाँ से आ जाइए, यहाँ से हो जाएगा प्लस c, जरा इसको देख लीजिए 2005 है, 2005 का यदि हम लोग समाकलन करते हैं तो आपका हो जाएगा 2005 और समाकलन में क्या x, क्योंकि 1 का अवकलन करेंगे तो x होता है, 10 का अवकलन करेंगे तो 10x, यहाँ से 100 का अवकलन करेंगे तो 100x हो जाएगा, यहाँ से 2005 का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2005x, यानी कि अंकों का अवकलन आप करेंगे तो सिर्फ उसमें x ऐड हो जाता है प्लस क्या हो जाता है c। लगभग इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां समझिए sec x इंटू टेन एक्स हो तो उसका समाकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा sec x, सब समाकलन देखिए वैसे ही है,
आप अवकलन पढ़ ही लिए हैं पहले का, क्योंकि फर्स्ट पेपर में पढ़ाया गया होगा। तो अब चलिए, इतना तो कर लिए, सीख लिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं प्रति अवकलज क्या होता है। ठीक है, देखिए इसमें प्रति अवकलज आप निकालेंगे तो इसका उल्टा लिया जाता है। इसका क्या लेंगे हम लोग, उल्टा लेंगे। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए आपका cos 5x है। ठीक है, ये cos क्या है, 5x है। तो cos 5x है तो आपको निकालना है क्या, इसका प्रति अवकलज। तो प्रति अवकलज निकालना है तो प्रति अवकलज निकालेंगे कैसे, देखिए प्रति अवकलज निकालने के लिए सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि जो ये cos है, ठीक है, प्रति अवकलज अवकलन में देखेंगे, ये जो cos है आपका आखिर में cos किसका अवकलन है, ये देखेंगे अवकलन में आप, ये जो अवकलन, ये जो cos है cos किसका अवकलन है, यानी cos किस मान का अवकलन cos होता है। तो इसमें आ जाइए, देखिए किस में cos है अवकलन, साइन x का अवकलन आपका क्या होता है, cos, यानी कि ये जो आपका cos होता है यह साइन का अवकलन होता है। ठीक है, तो cos होता है जो अवकलन, ये किसका होता है, साइन x का। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमको मिल गया कि ये साइन x का है, तो हम लिख देंगे, लिखेंगे हम जानते हैं कि, या दिया है कर लीजिए, दिया है। ठीक है, दिया है यानी कि हम लोगों को मालूम है d बाई डी एक्स आपका साइन एक्स, हम जानते हैं कर लीजिएगा, दिया नहीं है जानते हैं। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स आपका ये जो cos है, हमको पता है कि ये जो cos है, cos का अवकलन क्या, साइन एक्स। ये जो cos का अवकलन यानी कि जो cos है या साइन एक्स का अवकलन होता है, जो cos है या अवकलन किसका होता है, साइन एक्स, यानी कि अवकलन प्रति अवकलज का मतलब उल्टा। ये cos है तो देखिए किसका अवकलन है, साइन लेंगे, यदि साइन है तो क्या लेंगे, cos लेंगे। ठीक है, इतना चलिए, ये आपका साइन हो गया। अब लेकिन ये देखिए, ये साइन का तो है cos होता है, लेकिन इसका गुणांक 5x है, तो यहाँ पर ऐड करेंगे क्या, 5x, यानी कि आपका जो ये अवकलन है, प्रति अवकलन का अवकलन होगा, प्रति अवकलज ये d बाई डी एक्स साइन एक्स, क्योंकि साइन का अवकलन cos होता है। ठीक है, अब इसका अवकलन कर दी, चलिए साइन x का अवकलन, यहाँ से अवकलन तुरंत है, जिसका वो प्रति अवकलज होगा उसका अवकलन करेंगे। चलिए तो साइन 5x मिल गया। चलिए साइन x, देखिए वास्तव में x नहीं है, साइन x का अवकलन cos x होता है, लेकिन ये 5x है। अब लिखेंगे साइन x का अवकलन आपका हो जाएगा cos x होता है, यानी कि x का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 5x। कितना हो गया, वास्तव में ये आपका x नहीं था, x माना गया है, देखिए x माना गया है, तो फिर d बाई डी एक्स निकालेंगे, जिसको आप x मानते हैं अवकलन में उसका चुना अवकलन करेंगे, x इस पूरे को माना गया था, यानी कि 5x का क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। यहां से आ जाए d बाई डी एक्स आपका हो जाएगा, d बाई डी एक्स यहाँ से हटा दीजिए, अब यहाँ से हो जाएगा साइन 5x इजिकल टू आपका हो जाएगा, चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा cos 5x इंटू x का गुणांक है तो गुणांक पहले आ जाता है, और सिर्फ अवकलन होगा x का, हम लोग पता है कि x का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, गुणे 1, यह हो जाएगा साइन 5x इजिकल टू 5 × 5 यानी कि 5 cos 5x हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग ये कह रहा है कि प्रति अवकलज आपको निकालना है cos 5x का, तो यहाँ पर देखिए cos 5x है ना, इसको छुड़ा करके बाकी से इसको भगाइए वहां से, ये हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको यहाँ से हटाएंगे तो इसका बटा लग जाएगा, यानी कि साइन हो जाएगा 5x, इसको हटाएंगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा बटा में, इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा, cos 5x। ठीक है, तो इसको हम होगा, आप इसको पहले रख दीजिए, इसको बाद में रख दीजिए, नहीं तो cos 5x इजिकल टू, देखिए साइन का 5 है तो इसको लिख सकते हैं 1/5, और साइन क्या, 5x।
क्योंकि इतना लिखेंगे पुनः गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि cos 5x का जो प्रति अवकलज है इतना है। लिखेंगे कैसे देखिए, cos 5x का प्रति अवकलज, प्रति अवकलज कितना है, देखिए cos 5x का प्रति अवकलज कितना ये आया है ना आपका, हो जाएगा एक बट्टा में पांच साइन फाइव है, यानी कि आपका ये हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, आप प्रति अवकलज समझ लिए, तो अब प्रति अवकलज समझ लिए तो चलिए हम चलेंगे प्रश्न पे। 7.1 का प्रश्न कैसे होगा, तो एक बार जरा इस पे ध्यान दीजिए, एक बार हम इसे बता दे रहे हैं, e का पावर यदि x हो इसका प्रति अवकलज कैसे निकलेगा इसको समझ लीजिए। ये तो समझ लिए हैं, चलिए प्रति अवकलज निकालिए। प्रति अवकलज किसका, e का पावर कुछ भी ले लीजिए, 10x ले लीजिए, ठीक है, चलिए फिर वही क्रिया। अब देखिए, अब e का पावर 10x को e का पावर x, ठीक है, e का पावर x का अवकलन मिलाएंगे, कि जो e का पावर x का अवकलन होता है आखिर में किसका होता है, वो e का पावर x का अवकलन e का पावर x से होता है, तो आप खुद ही वही होता है तो उसी को रख सकते हैं। हम जानते हैं कि d बाई dx करते हैं e का पावर किसका का, x का है, या e का पावर x का अवकलन e का पावर x होता है, लेकिन ये घात 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा घात e का पावर x और 10 क्या प्रति अवकलज, उल्टा हो गया इसका, देखिए रिटर्न हो रहा है, उल्टा इतना हो गया, ठीक है, और इसका हम लोग उल्टा किए थे तो ये आया था, उल्टा भी लिख सकते हैं इसको, चलिए इतना लिख दिए। चलिए अब इसका उल्टा तो हो गया, इसका अवकलन फिर कर दीजिए, चलिए e का पावर x, देखिए वास्तव में x नहीं x मानेंगे, तो e का पावर x का अवकलन होता है e का पावर x, देखिए e का पावर x का अवकलन e का पावर x, e का पावर x की वैल्यू है 10x, तो ये आपका हो जाएगा क्या 10। देखिए पहले ही मैं बताया हूँ कि यदि आप जिसको x मानते हैं पुनः उसका अवकलन करेंगे तो आप x किसको माने हैं, 10x को x माना गया है ना, फिर d बाई डी एक्स अवकलन इंडिकेट किया, किसका करेंगे 10x का, क्योंकि 10x को x माना गया है तो x उसी अवकलन उसी का करेंगे, ये नहीं कि पुनः e का करेंगे, पुनः e का नहीं, बल्कि जो जिसका है जिसको आप x माने हैं पुनः उसको करेंगे। चलिए यहाँ से आ जाइए, इसका तो अवकलन हो गया, अवकलन हो गया तो यहाँ से नहीं है तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है, चलिए ले लीजिए, लिख लीजिए यहाँ से d बाई डी एक्स e का पावर 10 x इजिकल टू ले लेंगे तभी गलती नहीं होगा, चलिए 10 का तो अवकलन होगा नहीं, 10 बाहर आ जाएगा, आ e का पावर क्या हो जाएगा 10x, आ x का अवकलन कितना हो जाएगा 1, देखिए x का अवकलन 1 ये बाहर चला गया, यहाँ से हो जाएगा d बाई डी एक्स e का पावर 10x का इजिकल टू गुणा कर 10 से 1 में गुणा 10 इस e का पावर क्या 10x, ठीक है। चलिए यहाँ से आइए, यहाँ पर d बाई डी एक्स को गुणा के 1 मान सकते हैं, इसका फिर देखिए e का पावर इसका हमको मान चाहिए, e का पावर 10x का प्रति अवकलज चाहिए, तो इसको हटाएंगे तो ये पूरा बट्टा में आ जाएगा, ठीक है, हटा दीजिए यहाँ से e का पावर 10x, पहले इसको रखेंगे, ये हटेगा तो इसका बट्टा लग जाएगा, यानी कि आप रख सकते हैं 1 बाई कितना 10, एक बट्टा में 10 लिख सकते हैं, आया आपका d बाई डी एक्स आप लिख सकते हैं किसका e का पावर किसका 10x, क्योंकि पूरे का बट्टा 10 हो गया, इसको आप आसानी से लिख सकते हैं e का पावर 10x इजिकल टू एक बट्टा में 10 और e का पावर क्या 10x, ये आपका हो गया प्रति अवकलज e का पावर 10 x का प्रति अवकलज, लिखेंगे e का पावर 10x का प्रति अवकलज कितना है एक बटा में 10 और e का पावर 10x है। यदि आप इतना समझ लेते हैं तो 7.1 का जो प्रश्नावली है अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब प्रश्न स्टार्ट, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।